वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों अगर आपके पास है वीवो V30 या वीवो V30 Pro या वीवो V30e मोबाइल है और उसमें आप दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को इनेबल करें तो कैसे इनेबल करें दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं मोबाइल को लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों हमारे मोबाइल में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो जाता है। और आप भी अपने मोबाइल में ये सेटिंग इनेबल करना चाहते हो तो कैसे ऑन करोगे? ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स में जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑफ रहेगा, ये ऑन करना है। अब AOD स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों यहाँ से क्लॉक चेंज कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इस तरीके से आप जिस भी प्रकार का रखना चाहते हो उस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में आप स्क्रॉल करके अप्लाई कर देंगे, आपके मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो जाता है। मोबाइल को लॉक करेंगे तो आपके मोबाइल में हमेशा डिस्प्ले जलता रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को इनेबल कर पाओगे।